अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 245 मंजूर है। लैला ने हाथ में माइक थामे एक नजर पूरे फंक्शन हॉल में बैठी ऑडियंस पर डाली और फिर एक गहरी सांस लेकर बोलना शुरू किया। लोग कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में अपना सिक्का जमाने के लिए यहाँ लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन शायद इस मामले में मैं काफी लकी साबित हुई हूँ कि इस इंडस्ट्री ने एक एक्सीडेंटली आई हुई लड़की को हाथों हाथ लिया और इतनी इज्जत दी जिसकी शायद मैं लायक भी नहीं थी। लोग कहते हैं कि यहाँ पांव जमाने के लिए गॉडफादर का होना बेहद जरूरी है, जिसके जरिए बनाई गई सीढ़ियां चढ़ते हुए आप कामयाबी तक पहुंचते हैं। मैं यहाँ भी लकी थी कि यहाँ मेरा कोई एक गॉडफादर नहीं हुआ, बल्कि मुझे कई गॉडफादर मिले। इतना कहकर लैला ने वहां मौजूद लोगों के एक्सप्रेशंस देखने चाहे। सारे ही लोग दम साधे हुए उसकी बातें सुन रहे थे। तब लैला ने आगे कहा, कभी कभी सोचती हूँ तो लगता है कि मेरी इस कामयाबी का असल क्रेडिट किसे जाता है। शुरू से सोचूं तो ये कामयाबी पाहुजा साहब की देन लगती है, जो मुझ जैसी बेसहारा लड़की को फुटपाथ से उठाकर अपने घर लेकर आए, वरना मैं तो इस शहर में अपने सर्वाइवल को लेकर लड़ते हुए फुटपाथ पर ही मर जाती। कभी सोचती हूँ तो लगता है कि इंडस्ट्री में वो शख्स मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जिसने अपनी फिल्म में मुझे पहला ब्रेक दिया एक आइटम नंबर के तौर पर, और वो शख्स हैं सुजॉय साहब। उन्होंने सिर्फ मुझे ब्रेक ही नहीं दिया, बल्कि मुझे एक्टिंग और इंडस्ट्री से जुड़े कई सारी ऐसी बातें बताई जो शायद मुझे कोई और नहीं बताता। कहकर लैला ने ऑडियंस के बीच बैठे सुजॉय पर एक नजर डाली और फिर मुस्कुराते हुए आगे बोली, और फिर मेरे लिए तीसरा गॉडफादर वो शख्स है जो सिर्फ मेरे लिए गॉडफादर नहीं, बल्कि इस पूरी इंडस्ट्री के लिए, इस पूरे शहर के लिए गॉडफादर की इंपॉर्टेंस रखता है, और वो है द कबीर कपूर। ऑडियंस के बीच बैठे हुए कबीर ने अपना नाम सुनते ही अपने दोनों हाथ ऊपर करके उसके लिए धीमे से क्लैपिंग की। कबीर सर ने मुझे ये सिखाया कि लोगों से डील कैसे करते हैं, खुद को मजबूत कैसे रखते हैं और दुनिया को जवाब कैसे देते हैं। उन्होंने मुझे समाज और दुनिया को एक नए सिरे से समझने की ताकत और समझ दी है। अभी लैला कह ही रही थी कि तभी हॉल में किसी के फुटस्टेप्स गूंज उठे और सभी की नजरें उस तरफ उठ गईं। अभी अभी अंदर आने वाला शख्स और कोई नहीं बल्कि नंदराय ही था। सारे लोग अब फिर से लैला की तरफ देख रहे थे और उसके आगे बोलने का इंतजार कर रहे थे। लैला ने भी एक नजर नंदराय पर डाली और कहा, लेकिन इन सब के अलावा भी मेरी जिंदगी में एक सबसे बड़ा गॉडफादर है, और वो गॉडफादर जिसका मुझे यहां तक पहुंचाने में सबसे बड़ा रोल प्ले है कोई और नहीं बल्कि मेरे पति नंदराय है। लैला ने अभी अभी अंदर आए नंदराय की तरफ इशारा करके ये बात कही और सारे ही लोग उसकी तरफ गौर से देखने लगे, यहाँ तक कि खुद नंदराय हैरान रह गया। वो अब तक लैला को जिस बात से ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था, लैला ने भरी महफिल में खुद अपने मुंह से वो बात एक्सेप्ट कर ली थी। लैला ने आगे कहा, हाँ मैं जानती हूँ कि आप सबको ये बात सुनकर बहुत हैरानी होगी, लेकिन ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है कि एक गरीब कर्जदार किसान की बेटी होने के तौर पर मुझे ये इनाम मिला कि मेरी नंद जी से शादी करवा दी गई। ऐसा नहीं है कि मैंने उस शादी को निभाने की कोशिश नहीं की, मैंने कोशिश की लेकिन मैं कभी कामयाब नहीं हो सकी, और ऐसी ही एक कमजोर घड़ी में मैं वो घर छोड़कर बंबई चली आई, और इस सफर ने मेरे नाम पर भागी हुई लड़की का जैसे ठप्पा सा लगा दिया। कहकर लैला ने अपनी तेज हो चुकी सांसों को कुछ आराम दिया और फिर अपनी बात जारी रखते हुए कहा, और यही मेरा सबसे बड़ा जुल्म ठहरा कि मैंने जुल्म सहने से मनाई कर दी। बंबई आने के एक फैसले पर मैंने कई बड़े हजाने चुकाए, अपने बापू तक को खो दिया। किस्मत ने ऐसे ऐसे खेल रचे कि लोगों की नजरों में मुझे चरित्रहीन कहा और समझा जाने लगा, लेकिन मुझे खुशी है कि हाँ मुझे अच्छे लोग भी मिले जिन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि मैं क्या हूँ और मैं क्या हो सकती हूँ। तो दोस्तों,
छोटे से गांव से आई हुई लाली के लैला बनने की कहानी। लैला जिसके पास आज अच्छा पैसा है, अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी है, लेकिन अपने अतीत के पन्नों में लिपटा हुआ एक डर भी है कि कहीं कोई आकर ये ना कह दे कि मैं तुम्हारा अतीत दुनिया के सामने लाकर तुम्हें सबके सामने जलील कर दूंगा। बस यही वजह थी कि आप सबके सामने अपनी जिंदगी की किताब क्यों इस तरह पढ़ देने की। उम्मीद है मेरे सच से आप सबके मेरे प्रति प्यार में कोई कमी नहीं आएगी और इस अवार्ड के लिए एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कहकर उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ अवार्ड एक बार ऑडियंस के सामने लहराया और फिर होस्ट को माइक वापस करके एक उदास सी स्माइल लिए स्टेज से नीचे उतर आई। वहां मौजूद सारी ऑडियंस अभी तक जैसे किसी ट्रांस की कैद में थी। लगातार बजने वाली तालियों की गूंज से जैसे पूरा हॉल गुलजार हो चुका था। एक कोने में खड़ा नंद राय मन महसूस कर बस यही सोचे जा रहा था कि उसके हाथ से एक जीती हुई बाजी निकल गई, जबकि सुजॉय लैला की इस हिम्मत पर तंग रह गया था। उसने लैला के नीचे उतरते ही कहा, तुम वाकई बहुत बहादुर हो लैला। इतना बहादुर तो शायद मैं भी नहीं कि सबके सामने अपनी कमियों को, अपने अतीत को इस तरह से उजागर कर सकूं। हैट्स ऑफ टू यू। और तुम यकीन नहीं करोगी कि आज तुम्हारे स्टेप ने जैसे मुझे भी अपने डिसीजंस के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है। लैला ने जवाब में बस शुक्रिया कहा और फिर खामोशी से बाहर निकल आई। आज उसे अपने आप बेहद हल्का लग रहा था, यूं जैसे कि उसने अपने सिर से कोई बहुत बड़ा बोझ उतार कर फेंक दिया हो। कार की पिछली सीट पर बैठकर उसने सोहन से कहा, भैया क्या आप मुझे आज कुछ घंटों के लिए मरीन ड्राइव पर छोड़ सकते हैं? सोहन ने धीरे से हामी भरते हुए कार स्टार्ट कर दी। अवार्ड फंक्शन के बाद मैंशन वापस लौटते हुए सुजॉय ने तय कर लिया था कि आज वो भी घर जाकर जेनी से साफ साफ दो टूक सारी बातें कर लेगा। लेकिन जब वो लोग मैंशन पहुंचे तो जेनी का कहीं कुछ अता पता ही नहीं था। सुजॉय ने मेट से पूछा तो उसने एकदम रुआंसे होकर जवाब दिया, वो जेनी मैम का एक्सीडेंट हो गया था, सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी कि तभी उनका पैर फिसला और वो सीढ़ियों से फिसलकर नीचे आ गिरी। उनकी तबीयत बहुत खराब हो रही थी, इसीलिए अर्जेंटली एम्बुलेंस बुलाकर उन्हें हॉस्पिटल भेज दिया है। ये सुनकर लतिका जी की जैसे हालत खराब हो गई। हे भगवान, सीढ़ियों से गिर गई, ऐसे कैसे सीढ़ियों से गिर सकती है? सुजॉय ने माँ को शांत करते हुए मेड से हॉस्पिटल का एड्रेस लिया और पाहुजा साहब को घर में ही छोड़कर दोनों सीधे हॉस्पिटल के लिए निकल गए। जेनी के बारे में रिसेप्शन से पता करके सुजॉय जब उसके कमरे में पहुंचा तो वो काफी मायूस लग रही थी। सुजॉय को देखते ही उसने उसका हाथ पकड़ा और फूट फूट कर रोने लगी, मैंने अपना बच्चा खो दिया सुजॉय, मैंने अपना बच्चा खो दिया। सुजॉय के मन में उसे इस तरह रोता हुआ देखकर कोई भाव ही नहीं आ रहा था। उसे अब भी कहीं ना कहीं चीजों की सच्चाई पर शक था, इसीलिए वो बस खामोशी से उसका हाथ थामे यूं ही खड़ा रहा। अभी जेनी सुजॉय का हाथ पकड़े रो ही रही थी कि तभी लैला ने कमरे में आते हुए कहा, बस करो जेनी, बस करो, और कितने झूठ पर झूठ बोलोगी तुम, मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम प्रेग्नेंट थी ही नहीं। जेनी ने जब उसे इतना कॉन्फिडेंटली ये बात कहते हुए देखा तो तुरंत ही अपना पैंतरा बदलकर और जोर जोर से रोने लगी, प्लीज सुजॉय, इस लड़की से कह दो कि मैं भी इस वक्त कोई भी बात नहीं करना चाहती, मैंने अपना बच्चा खोया है, यहाँ पर कोई तमाशा नहीं चल रहा। तब लैला ने उसके करीब आते हुए कहा, यहाँ पर तमाशा ही चल रहा है जेनी, और तुम ये तमाशा बखूबी कर रही थी, लेकिन वो कहते हैं ना कभी झूठों की पोल खुल ही जाती है, तो अब तुम्हारी पोल भी खुल चुकी है। शायद तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि मैंने उस दिन तुम्हें उस सुपरमार्केट में पैड खरीदते और उसे यूज करते हुए देख लिया था, लेकिन मुझे ये बात किसी से कहना सही नहीं लगा, इसीलिए मैं अब तक खामोश थी।
लेकिन अभी जैसे ही मुझे पाहुजा सर का कॉल आया कि तुम्हारा मिसकैरेज हो गया है और सब हॉस्पिटल में जमा है, तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं यहाँ आ गई। और अब ये ड्रामा करने की अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बजाय बेहतर यही होगा कि तुम अपना सच अभी के अभी सारे लोगों को बता दो, ताकि तुम्हारे झूठ के जाल में फंसी कई जिंदगियां आजाद हो सकें। लैला को सारी बातें ऐसे साफ साफ बोलते हुए देखकर अब जेनी के पास उसकी बातों से इनकार करने की कोई वजह नहीं बची थी, लेकिन फिर भी उसने आखिरी दाव खेलते हुए बिलखते हुए सुजॉय से कहा, ये झूठ बोल रही है सुजॉय, मैं सच कह रही हूँ, मैंने तुम्हें सारे रिपोर्ट्स दिखाए थे ना। लेकिन सुजॉय पर उसके इस तरह रोने का कोई असर नहीं पड़ा। उसने एकदम सपाट लहजे में कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बातों पर यकीन करने के लिए तैयार हूँ जेनी, लेकिन तुम्हें अपनी सच्चाई साबित करने के लिए अभी के अभी यहाँ टेस्ट करवाना होगा। और मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि अगर उस टेस्ट में तुम सच्ची साबित हुई तो मैं तुम्हें अब भी अपनाने के लिए तैयार हूँ। सुजॉय की ये बात सुनकर जेनी बिल्कुल ही खामोश हो गई। तब सुजॉय ने एकदम से हंसते हुए कहा, तुम्हारी ये खामोशी बता रही है जेनी कि तुमने अब तक सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलकर हमारे जज्बातों से खेला है, और अब मैंने भी फैसला कर लिया है कि मुझे क्या करना है। तब जेनी ने तड़पते हुए कहा, लेकिन मैं तुम्हें सब सच बता रही हूँ सुजॉय, मैंने तो तुम्हें पाने का ख्वाब देखना ही छोड़ दिया था, लेकिन वो लतिका आंटी ने ही मुझे कॉन्टेक्ट करके कहा कि मैं किसी भी कीमत पर तुम्हारी जिंदगी में आ जाऊं ताकि तुम लैला से दूर हो सको। ये सुनते ही सुजॉय ने पलटकर लतिका जी का चेहरा देखा। उसकी आंखों में बेयकीनी के भाव थे। उसने अपनी आंखों को बहने से रोकते हुए लतिका जी से पूछा, क्या जेनी सच कह रही है माँ, यानी कि इस साजिश में आप भी शुरू से शामिल थी? और मैं ये समझता रहा कि भले ही सारी दुनिया मेरे खिलाफ चालबाजियां कर ले, लेकिन माँ, मेरी माँ मुझे कभी धोखा नहीं देगी, मेरे लिए वही करेगी जिसमें मेरी खुशी हो। और आपने इन सब में जेनी का साथ सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि आप चाहती थी कि मैं लैला से दूर हो जाऊं। ये सुनते ही लतिका जी एकदम से तड़प कर उसके पास आती हुई बोली, मैं सच कह रही हूँ बेटा, मैंने ये सब तेरी भलाई के लिए ही किया। मैं नहीं चाहती थी कि तू भी तेरे पापा की तरह हमेशा चक्की के दो पाटों के बीच पिसता रहे, इसीलिए मैं लैला को तुम्हारी जिंदगी से निकालना चाहती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये जेनी मेरे साथ भी गेम खेल रही है। प्लीज बेटा, मुझे माफ कर दो। लेकिन सुजॉय ने उनकी बात सुनकर एक झटके से उनके हाथों से अपनी बाह छुड़ाते हुए कहा, नहीं, मैंने सोच लिया है माँ, मैं फरेबी और झूठों का बोझ नहीं उठा सकता, इसीलिए मैं अब आपके साथ नहीं रहूंगा। इतना बड़ा धोखा करने वाली माँ के साथ रहने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, और मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। ये सुनते ही लतिका जी ने गुस्से में कहा, सोच समझ कर फैसला लो सुजॉय, शायद तुम भूल रहे हो कि अगर मैं चाहूं तो मेरे एक सिग्नेचर के बूते पर तुम आसमान से जमीन पर आ गिरोगे, क्योंकि कंपनी से लेकर मैंशन तक मेरे ही नाम पर मौजूद है। और अगर तुमने मुझसे दूर जाने का फैसला लिया ना, तो मैं तुम्हें अपनी किसी भी प्रॉपर्टी में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं लेने दूंगी। उनकी बात सुनकर सुजॉय ने एक हल्का सा ठहाका लगाया और कहा, आपको अब भी लगता है माँ कि मैं आपके प्रॉपर्टी और घर के लालच में अपनी आत्मा पर इतना बड़ा बोझ ढोऊंगा? मैं मेहनत मजदूरी करके खा लूंगा माँ, लेकिन मुझे आपकी कोई कंपनी, आपका कोई घर नहीं चाहिए। कहकर वो तेजी से वहां से निकल गया। लतिका जी वहीं घुटनों के बल बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। सुजॉय जैसे ही कमरे से बाहर निकला तो वहीं पर सुहाना खड़ी थी। सुजॉय को इस वक्त वाकई एक कंधे की सख्त जरूरत थी, और सामने सुहाना को देखकर जैसे उसके बर्दाश्त की हद टूट सी गई। उसने एकदम से उसे गले लगाते हुए कहा, आज मैं बिल्कुल टूट चुका हूं सुहाना, एकदम अकेला हो गया हूं। अपने लंबे चौड़े मजबूत भाई को इस तरह बच्चों की तरह बिलखते हुए देखकर सुहाना भी अपने आंसुओं पर कंट्रोल नहीं कर सकी। उसने रोते हुए धीरे धीरे सुजॉय की पीठ थपथपाते हुए कहा, आप अकेले नहीं हो भाई, मैं हूं ना आपके पास,
हम लोग साथ में रहेंगे। अगर अपनी बहन मानते हो तो प्लीज इस बात को ठुकराना मत। सुजॉय ने भी उसके आंसू पोंछते हुए कहा, तुझे ठुकरा कर कहां जाऊंगा पगली। तब तक लैला भी बाहर निकल कर आ गई थी। सुजॉय ने उसे देखते ही कहा, थैंक यू सो मच लैला, आज वाकई मेरी जिंदगी में अगर रत्ती बराबर भी चीजें ठीक हुई है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। कितना पागल था मैं, शीशों के टुकड़ों के बीच अपने लिए हीरा तलाश रहा था। कुछ पागल को ये पता भी नहीं था कि मेरा हीरा तो मेरे एकदम पास था। सुहाना ने उन दोनों को मुस्कुराकर देखा और बोली, मेरे ख्याल से कोयला, हीरा और शीशा हम लोग घर चलकर भी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम मैंशन से डैड को भी लेते हुए चलेंगे। उन्होंने भी कह दिया है कि अब वो इस घर में नहीं रहना चाहते। सुजॉय ने भी उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए हामी भर दी। अगली सुबह लैला सेट पर जाने के लिए पार्किंग में आई तो ये देखकर हैरान रह गई कि सुजॉय की गाड़ी भी वहीं खड़ी थी। उसने सुजॉय की कार के पास आकर उसकी खिड़की से झांकते हुए कहा, आप इतनी सुबह सुबह यहाँ? तब सुजॉय ने अगली सीट का दरवाजा खोलते हुए कहा, आओ अंदर बैठो, मैंने सेट पर तुम्हारे लिए छुट्टी की बात कर ली है। लैला ने मुस्कुराते हुए ओके कहा और फिर कार में आ बैठी। सुजॉय ने जब कार हाईवे पर डाली तो लैला ने हैरानी से पूछा, वैसे हम कहाँ जा रहे हैं? तब सुजॉय ने लैला को जवाब देने की बजाय कार एक साइड में पार्क की और फिर गौर से लैला का चेहरा देखने लगा। लैला उसके लगातार इस तरह गौर से देखने पर बोली, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। सुजॉय ने एकदम से अपनी दोनों हथेलियों में उसका चेहरा थामा और फिर उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए। लैला अचानक की इस हरकत के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन सुजॉय के साथ इन पलों में ऐसे करीब रहना उसे भी अच्छा लग रहा था। उसने अपनी आंखें मूंद ली। सुजॉय काफी देर तक यूं ही उसके माथे पर अपने होंठ टिकाए रहा। फिर आसपास से क्रॉस करने वाली गाड़ियों के हॉर्न से जब दोनों का ध्यान टूटा तब सुजॉय ने वापस अपनी सीट पर ठीक से बैठते हुए कहा, तो तुम्हारे सवाल का जवाब ये है कि हम लोग तुम्हारे गांव जा रहे हैं। ये सुनकर लैला हैरान रह गई। उसने कंफ्यूज लहजे में कहा, मेरे गांव? लेकिन क्यों? तब सुजॉय ने उसका हाथ अपने हाथों में थाम कर कहा, लड़की का हाथ मांगने उसके माँ बाप से ही मिलते हैं ना, मैं चाहता हूँ कि मैं ये सब तुम्हारी माँ के आशीर्वाद के साथ शुरू करूं। ये सब सुनकर लैला की आंखें भर आई थी। उसने नजरें झुकाए हुए कहा, लेकिन माँ तुम मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। तब सुजॉय ने उसके गालों पर एक हल्की सी चपत लगाते हुए कहा, मैं तुम्हें इतना बेवकूफ दिखता हूँ क्या? मैंने पहले ही तुम्हारी माँ से बात करके उन्हें सारी हकीकत समझा दी है और अब उन्हें तुमसे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन एक और बात है, माँ से पूछने से पहले मैं उनकी बेटी से पूछना चाहता हूँ, क्या उसे रिश्ता मंजूर है? सुजॉय के इस तरह डायरेक्ट पूछने पर लैला के सफेद चेहरे में जैसे गुलाबों का रंग उतर आया था। उसने अपना चेहरा अपनी हथेलियों में छुपाते हुए धीरे से कहा, हाँ। और सुजॉय ने उसके जवाब पर बेसाख्ता हाथों में थामे हुए हाथ को अपने होठों से छू लिया। तो दोस्तों, ये थी कहानी लैला की, जिसने एक छोटे से गांव से बंबई आकर अपना सफर शुरू किया था। आप सबने इस कहानी को जो प्यार और जो अपनापन दिया है उसके लिए इस शो की पूरी टीम की तरफ से आप सारे लिसनर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते मैं आपको ऐसी ही एक और अच्छी कहानी के बारे में बताती हूँ जो मेरी फेवरेट कहानियों में से एक है। हम आपके लिए एक और रोमांटिक स्टोरी लेकर आ रहे हैं जिसका नाम प्यार की कश्ती है। स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।